मुजफ्फरपुर में सड़क हादसे में मरे व्यक्ति का शव नहर में फेंके जाने का मामला हुआ गरम। पटना पुलिस मुख्यालय ने कहा, पुलिस द्वारा अब तक की गई कार्रवाई संतोषजनक नहीं। वहीं पटना हाईकोर्ट ने दी पुलिस वालों को संवेदनशील बनाने की नसीहत। रविवार को सोशल मीडिया पर मुजफ्फरपुर पुलिस के क्रूर और असंवेदनशील चेहरे का एक शर्मनाक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पुलिस के कुछ जवान सड़क दुर्घटना में मृत पड़े व्यक्ति की लाश को कूड़े कचरे की तरह नहर में फेंकते हुए दिख रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद पूरे देश में मुजफ्फरपुर पुलिस की इस शर्मनाक और अमानवीय घटना की चर्चा गर्म हो गई है। जैसे ही ये खबर पटना हाईकोर्ट को लगी, हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को दिशा निर्देश जारी करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्रन और जस्टिस राजीव राय की खंडपीठ ने सोमवार को इस मामले पर राज्य सरकार से ये भी कहा कि उसे पुलिस को संवेदनशील बनाने के लिए तमाम कदम उठाने चाहिए। घटना मुजफ्फरपुर फकुली में NH 22 पर एक व्यक्ति को कुचलते हुए एक ट्रक निकल गई थी, जिसके बाद उस व्यक्ति की मौत हो गई। बाद में घटना स्थल पर पहुंची फकुली OP पुलिस ने न तो शव को अस्पताल पहुंचाया, न ही पोस्टमार्टम कराया। कुछ पुलिस कर्मियों ने शव को बेहद अमानवीय तरीके से उठाकर एक पुल के ऊपर लाठी का उपयोग करके नहर में फेंक दिया। मामले में जिला पुलिस ने 4 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है, जिसमें ड्राइवर, सिपाही और होमगार्ड के 2 जवान हैं। जिला पुलिस की इस कार्रवाई से पटना पुलिस मुख्यालय संतुष्ट नहीं है। पुलिस मुख्यालय ADG जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि मामले में अब तक जो कार्रवाई की गई है वो संतोषजनक नहीं है। फकली OP प्रभारी से भी जवाब तलब किया गया है। दोषियों के खिलाफ विधि सम्मत ठोस कार्रवाई की जाएगी। 8 अक्टूबर को सुबह करीब 5:30 बजे मुजफ्फरपुर जिला के फकुली OP अंतर्गत नेशनल हाईवे पर एक व्यक्ति की चपेट में एक्सीडेंट हो जाने के कारण सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। सोशल मीडिया पर शव के कुछ हिस्से को नहर में फेंकने का वीडियो वायरल हुआ, उसकी तुरंत जांच कराई गई। इस घटना में जो भी कार्रवाई दिख रही वह नियम और कानून सम्मत नहीं है, वो अमानवीय प्रतीत हो रही है। हमने इसको पूरी गंभीरता से लिया और इस वीडियो में दिख रहे 3 पुलिसकर्मी को प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए इनके विरुद्ध कार्रवाई भी हमने गंभीरता से की है। चालक सिपाही को जो पुलिस का है उसको निलंबित कर दिया गया है और जो 2 वहाँ पर गृहरक्षक थे जो सिपाही की वर्दी पहनते हैं, तो उन 2 गृहरक्षकों को ड्यूटी से वंचित कर दिया गया है और इनके विरुद्ध बिहार होमगार्ड एक्ट के तहत इनके होमगार्ड से डिसमिस करने की कार्रवाई, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि इनके बॉन्ड पेपर को कैंसिल करने की कार्रवाई की जाएगी और वो सारी प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं। फकली OP प्रभारी जो घटना स्थल पर उस समय नहीं थे, परंतु जिनकी जिम्मेवारी बनती है, उनसे भी स्पष्टीकरण की मांग की गई। अब इन पूरे प्रकरण की जाँच करा करके जो गंभीर कार्रवाई हम लोग इनके विरुद्ध में आगे करेंगे। दुर्घटना कारित करने वाले वाहन, ट्रक या और कौन सा वाहन था, उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। मृतक की पहचान भी अभी तक नहीं हो पाई है, उस दिशा में भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सूचना पर पुनः OP थाने की फिर बाकी पुलिस दल वहां पहुंचकर फिर शव को कब्जे में ले करके इंक्वेस्ट की प्रक्रिया करके शव का जो हिस्सा सुरक्षित बचा था उसको पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। इस संबंध में फकली थाना कांड संख्या 543/23 दर्ज कर दिया गया और इसका हम लोग अब अनुसंधान कर रहे हैं। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।